लाइन ने तो डॉक्टर अंबेडकर सामने जैसी कल्पना की थी कि जिस तरह का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होगा, है ना, लेकिन सोशल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी अभी तक नहीं हो पाई। उन्होंने 26 जनवरी 1950 को जब संविधान सबमिट किया, इम्प्लीमेंट हुआ है 26 जनवरी 1950 को सबमिट किया था, तो एक बात कही कि नाउ वी आर एंटरिंग इन दी एरा ऑफ कंट्राडिक्शंस जी। तो लोगों ने कहा भाई क्यों कंट्राडिक्शन, कि भाई आज से जब संविधान लागू हो गया है तो हम पॉलिटिकली तो समान हो जाएंगे देश में राजनीतिक तरीके से, लेकिन सामाजिक और आर्थिक तरह से विषमताएं रहेंगी कंट्री के अंदर। तो आर्थिक और सामाजिक जो विषमताएं रहेंगी वो बहुत लंबे समय तक उनको पेंडिंग नहीं रखना चाहिए कंट्री में, क्योंकि संविधान में इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी है, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे और नेचुरल जस्टिस की बात है। तो वो जब होगा नेचुरल जस्टिस कंट्री में, जब तीनों चीज़ें सामाजिक रूप से समान हो जाएं, लोग आर्थिक रूप से हो जाएं और राजनीतिक रूप से, तो 1950 में हो गए। तो वो कंट्राडिक्शन अभी तक चल ही रहा है, कंट्राडिक्शन में है, हमें कैसे होगा सर, कंट्राडिक्टरी स्टेज में है। अब देखो कंट्राडिक्शन लोगों को पहले समझना चाहिए कि भाई किस तरह से इसको सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर कैसे होगा। खाली हम नेताओं पर इसको वजन नहीं डाल सकते हैं, उनको ऊपर नहीं थोप सकते हैं कि ये नेता ख़त्म कर लेंगे। भाई नेता बनते कैसे हैं, नेता तो समाज में से समाज बनाता है और एजिटेशन के द्वारा बनते हैं। समाज में जो एजिटेशन क्रिएट होता है उसमें से नेता निकल के आते हैं, है ना। तो समाज जब एजिटेशन करेगा, एजिटेट करेगा समाज, उसमें से लीडरशिप डेवलप होगी, और वो लीडरशिप ना मेंटली मतलब रिवॉल्यूशन के लिए काम करेगी। मेंटली रिवॉल्यूशन उनका होगा, एजिटेशन होगा, तब लीडरशिप डेवलप होगी, तब वो समझेंगे डॉक्टर अम्बेडकर साहब के मिशन को, समझेंगे संविधान को, समझेंगे। अभी तो वो इम्पोर्टेंस से जानते नहीं समाज, तब वो जब जानेंगे तो समझेंगे, तो तब ये लगेगा, इसमें टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम। आप ऐसे ये रातों रात वाला खेल नहीं है, ये रातों रात में संविधान बचा लें, रातों रात संविधान ख़त्म कर दें, ये ख़त्म भी रातों रात नहीं होगा। इसमें ये स्टेजेज होती है हर चीज़ को बनाने में भी और ख़त्म डिस्ट्रक्शन करने में भी, तो इसमें स्टेजेज आएंगी, उन स्टेजों को रोकना। तो वो हो जाएगा धीरे धीरे, सारी चीज़ें होती हैं, होंगी, समय लगेगा।